हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो आज दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंगे, जिसकी हिंट मैंने आपको पिछली क्लास में भी दी थी। किसने पू को मुड़ के नहीं देखा, किसने पू को मुड़ के नहीं देखा? ठीक है, करीना कपूर इज देयर, वाओ, डॉग इज देयर एंड अ स्मॉल गर्ल डूइंग टाटा, राइट। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे सामने है फर्स्ट लैंग्वेज थ्योरी। जो हमारी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या प्राइमरी लैंग्वेज होती है, या जिसे मैं मदर टंग कह सकती हूँ, रीजनल लैंग्वेज, वर्निकुलर, जो हम भाषा सीखते हैं, जैसे हिंदी मेरी अपनी मेरी पहली लैंग्वेज है, वो मुझे किसी को सिखानी नहीं पड़ी, डेट ऑटोमेटिकली केम टू मी, राइट। तो वो होती है फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम प्राइमरी लैंग्वेज, L1 लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, वर्निकुलर लैंग्वेज कहते हैं। इतने सारे नेम हैं पर बात वही है। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी जो सबसे अपनी मदर टंग होती है, जो हमारी खुद की अपनी लैंग्वेज है, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, उसे हम कैसे सीखते हैं, और इसके पीछे हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज आज आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जिसके तहत वाओ, किसने पू को मुड़ के नहीं देखा टाटा, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। पर ध्यान रखना, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? हमारी अपनी लैंग्वेज। और सेकेंडरी लैंग्वेज कौन होती है? जो हम कोई और सीखते हैं, जो हमारी अपनी नहीं है। जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज होगी हिंदी, और सेकेंडरी होगी जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। और बार बार मैं नेम रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज को हम प्राइमरी लैंग्वेज कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, L1 कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है घूम फिर के, नाक आप ऐसे पकड़ो या एक ऐसे, एक ही बात हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्ट समझना है कि क्या बात हो रही है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज थ्योरी है, यानी कि जो कि हमारी अपनी भाषा होती है, इसको सीखने के पीछे जो है बेसिकली हमारे सामने दोस्तों ये थ्योरीज मौजूद हैं, ठीक है। ये सारी थ्योरीज हैं जो अभी हमने करनी है, ये सारी थ्योरी हमें बताएंगी कि कैसे हम अपनी जो ओन लैंग्वेज है वो सीखते हैं। इसमें एक हमारे सामने है वाओ थ्योरी, एक है यो हे हो थ्योरी, एक है डिंग डोंग थ्योरी, एक है ला ला थ्योरी, एक है टा टा थ्योरी, और एक है पू पू थ्योरी। किसने पू को वापिस मुड़ के नहीं देखा, अगेन आई एम रिपीटिंग, वाओ वाओ बाओ थ्योरी, यो हे हो थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, ला ला थ्योरी, टाटा थ्योरी, पू पू थ्योरी, किसने पू को वापस मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसे ना कुछ फन करते हुए भी जब आप चीज़ों को बोलते हैं, आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बैठते हैं। तो जैसे मैंने आपको टिप्स दिए हैं, निमोनिक बना लो या आपस में कोरिलेट करके कर लो, कोई स्टोरी लाइन बना लो, तो वैसे कुछ ऐसी पागलपंथी इज ऑल्सो समथिंग यू कैन यूज एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर स्टडी। अब आइए बारी बारी से ये जो सारी थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं, इनको हम लेना शुरू करते हैं। तो एक तो ऊपर फोटो था, बाऊ बाऊ पू, कभी खुशी कभी गम एंड टाटा वाला, तो अभी आपको नेम हेल्प मिली होगी इनको याद करने में। दूसरा एक टिप मैं आपको अभी ही दे देती हूँ, जो इनके नेम है, इन्हीं नेम से संबंधित इसमें थ्योरीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, कैसे आइए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी बाऊ बाऊ थ्योरी, ठीक है। बाऊ बाऊ थ्योरी क्या कहती है दोस्तों? बाऊ बाऊ थ्योरी, जैसे जो नेचुरल साउंड होते हैं उनको इमिटेट करना, बाऊ बाऊ थ्योरी में आता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ वाओ वाओ, आप समझ जाओगे ना मैं डॉग की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ मियाओ, मैं कैट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नेचुरल साउंड्स होते हैं, जो जैसे हैं हम उनको वैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों ओनोमेटोपोइया। क्या कहते हैं इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो जैसे बाऊ बाऊ में आप समझ सकते हैं, जैसे डॉग भौंकता है,
उसी से संबंधित ये है, जो नेचुरल साउंड्स हैं, डॉग का भौंकना वाउ वाउ, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, या चिड़िया की चिलचिलाहट। ठीक है, तो बाऊ बाऊ थ्योरी क्या कहती है कि जो नेचुरल साउंड्स हमारे आसपास होते हैं उनको ही हम इमिटेट करते हैं, उनकी ही नकल उतारते हैं और वही हम सीख लेते हैं। ठीक है, खासकर अगर आप एक बहुत छोटा सा बच्चा देखेंगे वो कितनी जल्दी इन्हीं चीज़ों को पकड़ता है। मेरी मेरी कज़न है स्वाति, तो उसका बेटा हुआ था अद्विक, उसका पहला बेटा। तो हमारे घर में बूजो भी अब आया था, हमारा जो डॉग है, तो बूजो यहाँ होता था और वो सामने वाले घर पे अद्विक। तो अद्विक ने सबसे पहली चीज़ें ना वाह वाह करनी सीखी है, वो सीखी है उसने बूजो से, क्योंकि बूजो अद्विक से थोड़ा ही बड़ा है। तो वो बूजो पहले आया फिर अद्विक आया, और उसने देखा वो और उसके इम्पैक्ट पड़ा और उसने वो चीज़ सबसे पहले सीखी है। ठीक है, सो वाउ थ्योरी में हम नॉर्मल जो नेचुरल साउंड्स होते हैं, चाहे एनिमल्स के हैं, नेचर के नॉर्मल जो नेचुरल साउंड्स हैं, उन्हीं की ही इमिटेशन करके चीज़ें सीखते हैं। और इस चीज़ को हमें क्या चीज़ कहते हैं, ऑनोमेटोपोइया। ठीक है, ऑनोमेटोपोइया क्या होते हैं, जो जैसे साउंड्स हैं उनको वैसे लिखना। बाऊ बाऊ यानी कि डॉग का भौंकना, म्याऊं म्याऊं बिल्ली का बोलना, डम डम जैसे डमरू की आवाज़, नेचुरल साउंड्स को वैसे ही लिखते हैं, वो होते हैं ऑनोमेटोपोइया। और ख़ासकर दोस्तों आज तो नहीं पर जो बिल्कुल ही पुराने आदिवासी थे, वो एग्जैक्ट आज वाली भाषा थोड़ी ना तब डेवलप थी, इतना ना ब्रेन डेवलप था, तो उस समय तो यही थ्योरी सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेबल थी। इस समय सबसे ज़्यादा जो नेचर के ही साउंड्स हैं, डॉग कैट या शेर का गुर्राना या झरनों की आवाज़, जो भी नेचुरल साउंड है वही जो है ह्यूमन बींग यूज़ करता था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है यो हे हो थ्योरी। तो मैंने कहा ना यो हे हो, आपको देख के लग रहा होगा इट्स लाइक फिजिकल एग्जर्शन, है ना। तो यो हे हो नाम से आपको फीलिंग आ रही होगी, ये बेसिकली फिजिकली जब हम कोई चीज़ करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होते हैं इसमें वो आता है। ठीक है, तो जो भी हम कोई फिजिकली एक्टिवेट कर रहे हैं, हम थक गया ओ मेरे भगवान, मतलब अचानक से आपके मुंह से ये निकलता है, या आप लंबे गहरे सांस लेते हो, कई बार आप कराते भी हो, आप कोई चीज़ करते हुए थक गए हो, तो फिजिकली एग्जर्शन आज भी थी, मतलब फिजिकली वर्क आज भी करते थे, फिजिकली वर्क पहले भी करते थे जो पुराने ज़माने के आदिवासी लोग हैं। तो उस समय कोई भी ऐसे साउंड्स जो हमारी फिजिकली एक्टिविटी की वजह से हमारी लाइफ में आ गए वो कहलाते हैं यो हे हो थ्योरी के तहत, कि हम फिजिकली एक्टिविटी जो करते हैं उस वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उससे भी हमारे वोकैबुलरी में काफ़ी शब्द आए हैं। ठीक है, तो ये है हमारी यो हे हो थ्योरी, जिसमें नॉर्मल साउंड्स जो फिजिकल एग्जर्शन से आई हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने है डिंग डोंग थ्योरी। ठीक है, डिंग डोंग डिंग ना 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 ना, माधुरी दीक्षित का गाना मुझे याद आ गया। सो डिंग डोंग क्या होता है, जब कभी कोई भी वोकल नॉइस होता है, कोई भी आपको शोर सुनाई दे, कोई ट्यून सुनाई दे, और हमारे सेंसेस जब उसे ग्रहण करते हैं तो हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, डेट इज डिंग डोंग थ्योरी। ठीक है, डिंग डोंग डिंग ना 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 ना। तो जैसे ही ये मैंने बोला होगा आप थोड़ी मस्ती में आ गए होंगे, माधुरी दीक्षित की आपको याद आ गई होगी ना, उनका बहुत ये पॉपुलर सॉन्ग है। तो इट्स लाइक सिमिलरली कोई भी आप कोई भी चीज़ सुनते हो ना, तो आप कैसे उसके प्रति रिएक्ट करते हो। इट कैन बी लाइक आप रात को आराम से सोए हुए हो, अचानक से बड़ी जोर से गाड़ी बाहर से आवाज़ करके जाती है, बम्पर की आवाज़ करके जाती है, एकदम आप गुस्सा करोगे, आप रेड करोगे, गुस्सा करोगे। ठीक है, या अचानक से ऐसे सोचते हैं कि आप बड़े उदास बैठे हो, अचानक से कोई बड़ा सूदिंग सा कोई सॉन्ग लग गया एंड आप बोलेंगे वाह यार मज़ा आ गया, है ना। तो इट्स लाइक दैट, इट वोकल नॉइस इज समथिंग, किसी कोई कोई बोले या समथिंग जो साउंड हो उससे आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो एकदम हमारे मुंह से निकलती हैं, एकदम कुछ शब्द निकलते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि किसी ने कुछ बोला, कोई गुस्से की आवाज़ हो सकती है, प्यार भरी आवाज़ हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू इट, उस मोमेंट पे आप कौन से साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों ये जो सारी हम फर्स्ट लैंग्वेज थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये सारे हमें नेचुरल मेथड बता रहे हैं लैंग्वेज बनने के। ठीक है, कि कैसे हम नेचुरली चीज़ें सीखते हैं, राइट। एक अंग्रेज का बच्चा कैसे अंग्रेजी सीखता है, कैसे एक हिंदू का बच्चा हिंदी सीखता है, नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से, क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं, कहाँ कहाँ से वो ग्रेस्प करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बो बो में कौन सा था, नॉर्मल एनिमल्स के साउंड या नेचुरल साउंड, यो हे हो में कोई फिजिकल एक्सरसाइज के साउंड, और डिंग डोंग में कोई आपने नॉइस सुना या कोई चीज़ सुनी तो उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है ला ला थ्योरी। ला 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 ला। तो ला ला क्या है, ये एक म्यूजिक है, पोइट्री, लव, ठीक है। तो दोस्तों ला ला थ्योरी में सिंपल कहा गया था, जब कभी कोई गाना बज रहा है, कोई कविता बोल रहा है, कोई प्यार में है, तो उस समय उसके इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं और उस समय उसकी क्या लैंग्वेज निकल के आती है, वो दोस्तों लाला थ्योरी में आती है, ठीक है। ला ला ला, है ना म्यूजिक, एंड इसको सुन के आपको थोड़ी प्यार फील हो रहा होगा। तो जब कभी हम प्यार में हैं, कोई कविता या शेरो शायरी कहता है, कोई म्यूजिक बड़ा अच्छा सा चल रहा है, हाउ वी रिएक्ट टुवर्ड इट, हाउ व्हाट आर द वर्ड्स वी यूज़ इन दिस सिचुएशन, वो दोस्तों आपके लाला थ्योरी में आते हैं। मतलब बेसिकली जब कभी कोई म्यूजिक, पोइट्री या लव है, तो ऑब्वियसली एक प्यारी सी फीलिंग होती है, दिल खुश होता है, तो उस समय आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। और दोस्तों बेसिकली ये लाला थ्योरी हमारे पर्सन हैं डार्विन एंड ओटो जैस पर्सन, ये दोनों जो हैं डेनिश लिंग्विस्ट हैं, डेनिश, डेनमार्क के लिंग्विस्ट, लैंग्वेज की स्टडी करने वाले पर्सन हैं डार्विन एंड ओटो जैस पर्सन। उन्होंने ये स्पेसिफिक थ्योरी दी थी लाला थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया जब कभी कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई पोइट्री शेर व शायरी सुनते हैं, या कोई प्यार में होता है, तो उस मोमेंट पे हम कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, क्या लैंग्वेज की वोकैब हम तब यूज़ करते हैं, क्या हम बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली डेनिश लिंग्विस्ट यानी कि डेनमार्क के लैंग्वेज की स्टडी करने वाले पर्सन है डार्विन एंड ऑटो जैस पर्सन, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने है टाटा थ्योरी, टाटा टाटा, ठीक है। तो टाटा थ्योरी क्या होती है, जब कभी कोई मैनुअल जेस्चर है आप उसको बोलने के लिए यूज़ करते हो, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ये फोटो ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये आपने देखा ही होगा, कोई आपको ऐसे भी करे तो आप भी आगे से कह देते हो टाटा बाय बाय, कहते हो कि नहीं कहते हो, मतलब इसका सबको पता है, इस मैनुअल साइन का, इट मीन्स बाय बाय टाटा, ठीक है। तो वही है दोस्तों ये वाली थ्योरी। टाटा थ्योरी क्या है, टाटा थ्योरी में जो आपने बोलना होता है आप उसको किसी मैनुअल जेस्टर से, हाथ के जेस्टर से जोड़ लेते हो, इसका मतलब टाटा है, बाय बाय है, सब समझ आएंगे, है ना, इसका मतलब सब समझ आएंगे कि पागल है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि कोई चीज़ आपने कहनी है, उस कहने के लिए आप कुछ मैनुअल जेस्चर कर रहे हो, इस वाले का बताना मतलब क्या है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, इसका मतलब क्या है, समझ गए ना मेरी बात। चलो मैंने इसका तो बता दिया टाटा बाय बाय, आपको पता ही है, इसका भी बता दिया पागल है, इसका मतलब क्या था कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो अगर तुम इसका मीनिंग बता पाओगे तो तुम्हें फिर ये टाटा थ्योरी क्लियर है, जिसमें बेसिकली जो हमने टंग मूवमेंट करनी है, जो हमने बोलना था, उसको हम मैनुअल जेस्चर के थ्रू, अपने हाथ के मूवमेंट के थ्रू बताते हैं। डन, इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद है दोस्तों हमारी पू पू थ्योरी, किसने पू को मुड़ के नहीं देखा, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, प्लेजर पेन थ्योरी भी हम इसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें कभी खुशी कभी गम, प्लेजर एंड पेन, जिसमें कौन कैरेक्टर था, पू, किसने पू को मुड़ के दोबारा नहीं देखा। तो पू पू थ्योरी क्या कहती है, जब कभी हम खुशी में हैं, दुख में हैं, सरप्राइज में हैं, उस मोमेंट पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस मोमेंट पे हमारी शब्द क्या होते हैं, वोकैबुलरी क्या होते हैं, वो दोस्तों आता है पू पू थ्योरी में, ठीक है। किसने पू को मुड़ के वापस नहीं देखा, पू करीना कपूर का बहुत ही पॉपुलर करेक्टर था, कभी खुशी कभी गम मूवी में, खुशी गम प्लेजर पेन, ठीक है। तो पू पू थ्योरी बेसिकली प्लेजर पेन और सरप्राइज एक्सेट्रा में हाउ वी रिएक्ट एंड हाउ वी से ऑल द थिंग्स, ये इसमें आता है। डन, पू पू थ्योरी, डन, ऐसे याद रखेंगे, कभी खुशी कभी गम, प्लेजर पेन थ्योरी, ठीक है, उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सो दोस्तों ये है हमारी सारी फर्स्ट लैंग्वेज थ्योरी, यानी कि जो लैंग्वेज ऑलरेडी हमें, हम एकदम सीखते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो हम कैसे सीखते हैं, फिजिकली चीज़ों से भी, मैनुअली एक्टिविटी से भी, अपने इमोशन से भी, उनसे हम सीखते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार करें, और इसका मीनिंग बताना ना भूलें, इसका मतलब क्या था, ठीक है। साथ में दोस्तों क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 करना चाहते हैं,
तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको पता है मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का पेपर मौजूद है, वो भी एट इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 833। ठीक है, 833, ओह मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का पेपर मौजूद है, वो भी एट इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 83 पे, और वैलिडिटी है 1 ईयर। ये कोर्स एक सिंगल कोर्स नहीं है, बंडल ऑफ कोर्सेज है। इंग्लिश एनटीए पेपर 2 में 10 यूनिट है, हर यूनिट में आपको इस पे प्रॉपर कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, ढेर सारे ऑथेंटिक प्रॉपर लेक्चर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आपको जो है मिलेगा आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि टाइम पीरियड इतना लंबा है, चाहे कोई पढ़ने में वीक है या स्ट्रांग है, चाहे किसी के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने को या टाइम ही टाइम है, सब इसका 100% बेनिफिट लेके जा पाएंगे। और साथ में बहुत गुड न्यूज़ कि इसमें आपको इनके अलावा MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, PYQs, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें वहाँ पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें या मैसेज करें, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी या मैं खुद आपको ज़रूर गाइड करूँगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे, तो और ट्विटर पे, उनके लिंक भी वीडियो के साथ दिए गए हैं, वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा और बहुत सारी ब्लेसिंग और प्यार, ध्यान रखिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए और हार्ड वर्क के साथ साथ, तभी आप अपना एम अचीव कर पाएंगे। टेक केयर।